क्या कर रही हो? मेरे कलाई में थोड़ी मोच आ गई से, इसलिए पैर से पोछा लगा रही हूँ। बाबा, आपके लिए किसी छोरी का फोन आया था। किसका? क्या मालूम, बोले हेलो, वो हैंडसम सेक्सी सुपर हीरो को फोन दियो। मैंने कहा नहीं है तो फोन पटक दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो फोन मेरे लिए ही आया था? अब इस घर में हैंडसम सेक्सी सुपर हीरो आपके अलावा और कौन से? मैं? हाँ, वो तो है। पर रोसेस बाबा, आपको तो हॉलीवुड जाना चाहिए, हॉलीवुड। सुनहरी, तुम्हारे और मामा के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे टैलेंट्स के बारे में कैसे पता चला? अभी कुछ देर पहले आपको एक्टिंग करते देखा था ना। मिलॉर्ड, फांसी मुझे ही दीजिए। क्या डायलॉग बोलते हैं आप, सुन के लोग जोर जोर से मारेंगे। मारेंगे? सीटियां। ओह, मैं भी एक्टिंग करना चाहती थी, अगर मेरे भाई की बीमारी ने मेरे पैरों में बेड़ियां ना डाली तो शायद मैं भी आज एक। भाई की बीमारी? सुनहरी, ये मेरा जो आंवलोप है, इसे जरा पोस्ट बॉक्स में डालोगी? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। सेठ जी, आप तो मिलन को नीचे आए से, वॉचमैन का फोन था। मुझसे मिलने कौन आया? के बेरा बोला अर्जेंट से। अरे, मुझसे मिलने कौन आया होगा, खैर मैं देख के आता हूँ। सुनहरी, हाँ? फोन कब आया था? मैंने झूठ बोला। सेठ जी के सामने अपने भाई की बीमारी का जिक्र करती तो उन्हें लगता मैं ढोंग करूँ सू, झूठ बोलूँ सू। क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? रोसेस बाबा, मेरी करीब आई है। मैं नहीं चाहती आपके अलावा इस घर में किसी और को मेरी मुसीबतों के बारे में पता चले। ओह, दैट वेज। ओके। सुनहरी, मेरे पास 7,000 रुपए हैं, दे दू? मना मत करना। अगर सेठ सेठानी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? My lips are sealed. And courteous also. मैं पैसे ले आऊं? Sure, sure. Why not? सुनहरी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम उस घर का तो हो गया, इसलिए आड़े चली आई सी। अरे वाह, मिला कोई काम? हाँ, और पैसे भी। पैसे? हाय ला, ये मेरे हैं। आपका घर से तो आपके ही होंगे। हाँ, और ये अखबार का इश्तेहार भी। इश्तेहार? बिग मार्केट में सेल्स है, लेकिन बदनसीबी तो देखो, आधे से ज्यादा लोग मर गए। मर गए? ये देखो, 50% ऑफ, मतलब कि 50% लोग ऑफ हो गए। बुद्धू, 50% ऑफ मतलब 50% डिस्काउंट और पैसे भी मिले हैं, कितना अच्छा शगुन है। हाँ, साहिल, मैं बिग मार्केट जा रही हूँ। सुनहरी, तुम साफ सफाई करके रखना। हाँ, बाय। मैं सब साफ कर लूंगी। हाँ, बाय। मॉर्निंग। वो शॉपिंग गई है। ओ, अभी जाना था इसे। आपको कुछ चाहिए छोटे साहब? नहीं,
आई एम फाइन। तुम ये क्या कर रही हो? मैं कचरा इकट्ठा करूँ सु चुनरी में। हाँ लेकिन कचरा इकट्ठा करने के लिए चुनरी का इस्तेमाल मत करो। तो चुनरी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करूँ? वो नहीं करो। कचरा इकट्ठा करने के लिए अगर तुम्हें चुनरी का इस्तेमाल करना है तो करो। मेरे कहने का मतलब यह था कि घर में ढेर सारा कचरा पड़ा है तो तुम अपनी छोटी सी चुनरी में समेट नहीं पाओगी। अरे घाघरा है ना, देखो कितना गहरा है इसमें, देखो। अच्छा करो। कचरा इकट्ठा करो। मैं सामने वाले फ्लैट में हूँ। सुनहरी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कचरा कहाँ रखूं? नीचे वॉचमैन को देके आऊं के? ऑफ कोर्स, वॉचमैन के पास। एंड जस्ट अ मिनट बिफोर यू लीव, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो एक छोटी सी बख्शीश अगर बुरा नहीं मानोगी तो। सियोर सियोर फाना। दस बारह साल तक नो टेंशन है। हाँ। सुबह शाम कॉकरोच मारते रहना, भरी पिचकारी मारी सर। हेलो एवरीबॉडी। हाय मामा, आज क्या बनाएं डिनर में रोसेश स्वीटी? राधा बाई, सुनहरी, विठल कहाँ गए सब लोग? मॉम, डैड, सुनहरी आई है, वो कचरा लेके नीचे गई, अभी तक लौटी नहीं है। इज देयर अ प्रॉब्लम? मॉम घर की कुछ चीजें गायब हो गई है। जी जी साहिल भाई, बेचारी सुनहरी पे आप शक कर रहे हैं? अरे बेचारी अपने भाई को अस्पताल में देखने गई होगी, ऑपरेशन के लिए पैसे देने। हाँ। पैसे? हालांकि उसने मुझसे कहा था कि किसी को बताना मत। रोसेश तुझे कैसे पता? आपको कैसे पता? जब उसने पैसे लिए तो उसने कहा कि कितने पैसे दिए तूने? 7,000। आहा, एंड यू माय डार्लिंग हस्बैंड, तुमने कितने दिए? मैंने तो उसे 12,000 दिया। वंडरफुल, 7 और 12, 19,000। 1,14,000 मॉम। 1,14,000 कैसे? 95,000 का सामान अपने घर से गया है। इंद्रवदन फोन लगाओ पुलिस को। हाँ हाँ। हैंग ऑन, शायद वो ही होगी। ठहरो। आप? मैं सुनहरी, सेवाश्रम से। अरे वाह माया, ये तुम्हारी असली बाल विधवा। अच्छा कामकाज में क्या क्या आता है? Wonderful. Welcome to the Sarabhai residence. Sarabhai.